बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिमीचुरी सॉस की रेसिपी। ये अर्जेंटीना की बहुत ही फेमस सॉस है। ये एक्चुअली पास्ले से बनाई जाती है और ये सॉस बारबेक्यू स्टेक्स ग्रिल के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ आप इसे शॉर्मे के अंदर भी ट्राई करें, सॉस बहुत अच्छी लगेगी आपको खाने में। इसका तरीका बहुत ही ईजी है और ये बहुत कम टाइम में रेडी होती है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होगा इंशाल्लाह। इसके साथ ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इस सॉस को एक महीने के लिए फ्रिज में सेव कर सकती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं चिमीचुरी सॉस बनाना। उससे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये पास्ले ले लिया है। आप देख सकते हैं कि ये धनिए से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और धनिए से जो इसका पत्ता है वो बड़ा होता है। तो पास्ले की हमने ले लेनी है फुल गड्डी और पास्ले जो है मैंने इसके पत्ते तोड़ लिए हैं। नमक लेंगे हम हस्बी टेस्ट, काली मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, इससे चटनी काली हो जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे ओरिगानो, ओरिगानो 1/2 टीस्पून लेंगे हम। चिली फ्लेक्स हम लेंगे 1 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस अच्छा लगता है आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें जैतून का ऑयल लेंगे 1/4 कप। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सॉस के अंदर। 4 अदद जो है हम लहसुन के क्लोव लेंगे। फिर हम फ्रेश ग्रीन चिली ले लेंगे। ग्रीन चिली मैंने 3 अदद ली है और उनको मोटा मोटा काट लिया है मैंने। सिरका लेंगे हम 1/4 कप। पानी का इस्तेमाल हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग ग्राइंडर ले लेंगे। इसके अंदर हम डाल लेंगे लहसुन, हरी मिर्ची भी डाल लेंगे, ओरिगानो भी डालेंगे हम इसमें, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च वो भी हम डाल लेंगे, नमक हस्बी टेस्ट डालेंगे हम, काली मिर्च का पाउडर जो है वो भी डाल लेंगे, सिरका डालेंगे और जैतून का जो ऑयल है वो भी डाल लेंगे। और एंड में हम इसमें डाल लेंगे पास्ले। सब चीज़ें हमने डाल ली है, अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड हमने कर लिया, बहुत अच्छा हमारा पेस्ट रेडी हो गया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देते हैं। मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया और सिरके से और जैतून के ऑयल से ही मैंने इसका पेस्ट रेडी किया है। मैं आपको नज़दीक से दिखा सकती हूँ, इसमें पानी का इस्तेमाल जो बिल्कुल भी नहीं होगा। कितनी थिक चटनी हमारी जो है वो रेडी हुई है। सेव करने के लिए मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया है। इसके अंदर मैं चटनी को डाल के फ्रिज के अंदर सेव कर दूँगी। इसी तरह आप के पास अगर जिप लॉक बैग है तो आप इसमें डालकर एक महीने के लिए अपनी चटनी को सॉस को सेव कर सकती हैं। ये मैंने आलू की चिप्स रेडी की है, तो इस सॉस के साथ जो है मैं इस चिप्स को ट्राई करूंगी। देखिए कितनी थिक हमारी जो सॉस है वो रेडी हुई है। आप इसे बना कर फ्रिज में सेव कर लीजिए, रमज़ान आने वाला है उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी बारबेक्यू के साथ, ग्रिल के साथ, स्टीक के साथ। इंशाल्लाह आप इसे खाएंगे तो आपको उसका टेस्ट बहुत चेंज लगेगा। नॉर्मल हम रमज़ान में ज़्यादा हरा धनिया और पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये चटनी भी अपने घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी खाने में। और जब आप इसे ट्राई करेंगे मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको चिमीचुरी सॉस की रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो। अल्लाह हाफिज़।